हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। और अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन। सबसे पहले अपन यहाँ देखना चाहेंगे कि होता क्या है कम्युनिकेशन। तो मैंने पहले आपको क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हम कम्युनिकेशन बोल देते हैं। कम्युनिकेशन मोस्टली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और सेकेंड ऑफ बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग करके कोई भी वर्ड्स बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पीक करके आप कम्युनिकेशन कर, उसको क्या बोल कर चलेंगे आप, वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन स्पीक, जिसमें हो सकता है फेसियल एक्सप्रेशन हो, बॉडी पोस्चर हो सकता है, टच हो सकता है, उन सारी चीज़ों को अपन बोल कर चलते हैं क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन की, कि नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि नर्स और पेशेंट के बीच में अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो कभी भी आप एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर सकते। और अगर आप किसी पेशेंट के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में आप ऐसा हो सकता है कि आप उसको अच्छा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, या फिर पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है आप उसको अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते, या डायग्नोसिस कर भी लिए तो आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन इज़ ए कन्वे गुड नर्सिंग प्रैक्टिस की, भाई नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन क्या है, एक अच्छी नर्सिंग प्रैक्टिस की पहचान है या फिर कन्वे का प्रोसेस है। नर्सिंग डायग्नोसिस मेड द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम नर्सिंग इंटरव्यू। अपन किससे स्टार्ट करते हैं, किसी भी पेशेंट से कम्युनिकेशन इंटरव्यू के साथ में स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैव ए बेटर पेशेंट सेटिस्फेक्शन एज वेल एज कंट्रीब्यूटिव टू मोर इफिशियंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, कि भाई आप क्या करते हैं कि मोर यूटिलाइजेशन करते हैं, सोर्सेज यूज करते हैं कि पेशेंट बेटर फील करे, अच्छा कम्युनिकेशन हो इसके साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। आप अच्छे से जानते हैं कि टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन तब ही पॉसिबल है जब आपके सामने दो पर्सन हैं या दो लोग हैं, तब आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ए नर्स हु कम्युनिकेट विद द पेशेंट, एक नर्स किसके साथ में कम्युनिकेट करती है, पेशेंट के साथ में जो कि पेशेंट होता है, एंड अंडरस्टैंड वॉट द पेशेंट, और पेशेंट क्या कहना चाहता है, इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और पेशेंट वो अलग कर मतलब उसको समझने की कोशिश करता है उसके कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन या थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। देखो, बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, और थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है या थेरापेटिक नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा रिलेशन जिसके अंदर क्या कर रहे हो, एज ए ट्रीट कर रहे हो आप थेरेपी। तो नर्स पेशेंट रिलेशन इज ए हेल्पिंग रिलेशनशिप दैट इज़ थेरापेटिक इन नेचर। कैसे नेचर का होता है, थेरापेटिक नेचर का होता है, एंड इट इज़ एस्टाब्लिश टू मीट नीड ऑफ क्लाइंट। जो पेशेंट की नीड है उसको आप क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। किसके साथ में, आप अच्छे से उसको रेस्पेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं बेस्ड किसके, रेस्पेक्ट के साथ में और ट्रस्ट के, विश्वास के साथ में। द थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ द प्रोसेस। जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है नर्स पेशेंट का, वो प्रोसेस क्या है, बाई विच नर्स प्रोवाइड केयर फॉर ए क्लाइंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कि भाई कम्युनिकेशन एक नर्स और पेशेंट के बीच में कब स्टार्ट होता है, जब एक पेशेंट को नीड है, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। भाई कोई डिजीज़ है तो उसके हिसाब से, जैसे फीवर है एग्जांपल लेकर चले अपन, तो जैसे फीवर है तो आप उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, कौन से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप उसको फुलफिल करेंगे, तो फीवर आप क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। तो इसी प्रकार में मतलब एक नर्स जो होती है वो केयर प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। द थेरापूटिक नर्स पेशेंट रिलेशन इज इस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाई ए नर्स थ्रू यूज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज। कि आप जब भी थेरापूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज का यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज है, आप पढ़कर आते हैं, जो नर्सिंग का एक प्रोफेशन है, वो सारी चीज़ें यूज करते हैं, स्किल्स यूज करते हैं, एंड केयरिंग एटीट्यूड, और केयर का जो एटीट्यूड है वो आप फॉलो करते हैं, एंड बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लाइंट हेल्प वेलबींग। जो क्या करता है, किसी भी क्लाइंट की हेल्प करता है वेलबींग में, कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि जो उसकी सर्विसेज हैं, एक पेशेंट की जो सर्विसेज एक नर्स जो प्रोवाइड कर सकती है, वो सारी चीज़ें आप क्या कर चलते हैं, प्रोवाइड करके चलते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये होता है थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके गोल क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या गोल हैं जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी
फॉर क्रिएटिंग चेंजेज इन द क्लाइंट डिजायर टू मेक। देखो वापस बोल रहा हूँ, डिस्कस अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग चेंजेज इन द क्लाइंट डिजायर टू मेक। आप जो क्लाइंट की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है वो क्या बना सकते हैं जिससे क्रिएटिंग चेंजेस क्लाइंट डिजायर टू, और जो क्लाइंट चाहता है, जो पर्सन या पेशेंट जो चाहता है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं उसको। एक्सप्लोर द फीलिंग अबाउट द एक्सपेक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज। एक्सप्लोर द फीलिंग, आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैन नॉट बी चेंज, और आप उसको क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं या चेंज नहीं कर सकते। एनकरेज टू डिस्कस अबाउट द चेंज नीडेड टू मेक इन द क्लाइंट। एनकरेज द डिस्कस, डिस्कशन को इनक्रेज करते हैं, अबाउट द चेंजेज, जो चेंजेज हैं नीडेड टू मेक इन द क्लाइंट, जो क्लाइंट की क्या है, नीड है या फिर उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट अपन बात करके चलते हैं रोल ऑफ नर्स की, एक जो कम्युनिकेशन होता है नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन, उसमें क्या क्या रोल हो सकते हैं नर्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हेल्पिंग द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई वॉट इज ट्रबलिंग द क्लाइंट। हेल्पिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या करता है, हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए वॉट इज़ द ट्रबलिंग द क्लाइंट, जो क्लाइंट क्या कर रहा है, ट्रबलिंग कर रहा है, जिस सिचुएशन से वो सफ़र कर रहा है, उस सिचुएशन को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर। एनकरेज द डिस्कस अबाउट द चेंजेस नीड इट टू मेक इन द क्लाइंट। एंड डिस्कशन करते हैं पेशेंट के साथ में उसकी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में तो अपन लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद में डिस्कस अबाउट द बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव। फिर आप क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं ईच अल्टरनेटिव, जो भी आपके पास में अल्टरनेटिव हैं या जो भी आपके पास में ट्रीटमेंट हैं या फिर पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है उसके आप क्या क्या उसको बेनिफिट दे सकते हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आप सारी चीज़ें लेकर यहाँ कर चलते हैं ताकि पेशेंट में जो आपका रोल है वो आप कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक रेस्पॉन्सिबल नर्स नहीं हो सकते, आप रोल जो आपका रोल है, जो मेन वर्क है, जो आपकी ड्यूटी है, वो आप प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। असिस्ट द क्लाइंट टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, आप सारी सिचुएशन देखते हुए कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा या फिर कौन सा प्रोसेस या कौन सा डायग्नोसिस या फिर कौन सी आपकी प्लानिंग करी है वो एक अच्छी रिजल्ट दे सकता है आपको एक अच्छा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो असिस्ट कर लेंगे एक अल्टरनेट को, एक फिक्स अल्टरनेट कि हाँ भाई इट इज़ ए बेस्ट फॉर दिस पेशेंट या फिर जो भी पेशेंट है आपके सामने कि हाँ भाई इस पेशेंट के लिए ये सही है। एनकरेज क्लाइंट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, और पेशेंट को क्या करेंगे अपन, एनकरेज करेंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेज आना स्टार्ट में। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट देख के चलेगा, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर द क्लाइंट अटेम्प्ट टू चेंजेस। आप क्या करें, जब भी पेशेंट से फीडबैक लें तो कोशिश होनी चाहिए आपकी कि जो फीडबैक आ रहा है वो क्या हो, पॉजिटिव वे में हो, पॉजिटिव वे में। तब जब तक पॉजिटिव वे में आप फीडबैक नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी वर्क में, अपनी ड्यूटी में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, आप प्रॉपर वे में वर्क नहीं करें। असिस्ट क्लाइंट टू इवॉल्वेड आउटकम ऑफ द चेंज मेक मॉडिफिकेशन। क्लाइंट जो है उसको क्या कर लेंगे, असिस्ट कर लेंगे, आपने जो ट्रीटमेंट दिया है आप उसका इवोल्यूशन करेंगे, और जब इवोल्यूशन करेंगे तो इवोल्यूशन करने पे क्या होगा कि आप पाएंगे कि जो आउटकम्स हैं, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है, जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उस प्रिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करेंगे। जब मॉडिफिकेशन का कहने का मतलब ये है कि जो आपने ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया और पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद में उसके बिहेव में या उसकी जो बॉडी है फिजिकली, मेंटली, सोशली, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, फिर बोल सकते हैं अपने जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहा था या फिर कोई भी डिजीज़ थी जिससे वो सफ़र कर रहा था उसमें अब क्या चेंज आए, तो ये सारी चीज़ें अपन देख कर चलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, सबसे पहला होता है सोशल, सेकेंड होता है इंटीमेट, और थर्ड होता है थेरापेटिक। देखिएगा सबसे पहले की मैं बात करके चलता हूँ, रिलेशनशिप हमेशा तीन टाइप के होते हैं, सबसे पहला याद रखिएगा सोशल रिलेशनशिप, सेकेंड होता है इंटीमेट रिलेशनशिप, थर्ड होता है थेरापेटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप, इट कैन बी डिफाइन एज ए रिलेशनशिप दैट इज़ प्राइमरली इनिशिएटेड विद द पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन, इंजॉयमेंट और अकम्प्लीस ए टास्क। क्या होता है सोशल रिलेशनशिप, ये इसको इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रीमियरली है, इनिशिएटेड है किसी भी पर्सन के साथ में, आप स्टार्टिंग में यूज करते हैं जो ऐसा रिलेशनशिप है जो क्या हो सकता है, उसका आपका क्या पर्पज़ हो सकता है, फ्रेंडशिप का पर्पज़ हो सकता है, समाज सेवा का पर्पज़ हो सकता है, या फिर किसी खुशी के लिए आपका पर्पज़ हो सकता है, या फिर कोई ऐसा टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है, और तो आप क्या कर रहे हैं उस पर्सन से रिलेशन बना रिलेशनशिप में
मतलब एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपकी जो टास्क है वो कंप्लीट हो सकें, जो आपका गोल है वो अचीव कर सकें। आप किसी पेशेंट के साथ में इसलिए रिलेशनशिप बना रहे हैं कि आप इंजॉयमेंट कर सकें, किसी पेशेंट पर्सन के साथ में आप इसलिए रिलेशन बना रहे हैं कि आप सोशलाइजेशन कर सकें, समाज सेवा कर सकें, समाजवादी बन सकें, या फिर आप किसी पर्सन के साथ में इसलिए रिलेशन बना रहे हैं कि आप फ्रेंडशिप कर सकें, अच्छे दोस्त बना सकें, अच्छे रिलेशन बना सकें। तो सोशल रिलेशनशिप, सीधी सी बात करें जो समाज के स्तर पर होने वाले रिलेशनशिप होते हैं वो कौन से होते हैं, सोशल रिलेशनशिप। अब मैं सेकंड रिलेशनशिप की बात करना चाहूँगा। सेकंड होता है इंटीमेट रिलेशनशिप। इट अकर बिटवीन टू इंडिविजुअल। ये क्या होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में होने वाला ऐसा रिलेशनशिप है। देखिएगा, जो पहला है रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, वो भी हमेशा दो इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, लेकिन वहाँ एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते चलिएगा। जैसे कोई सोशल चीज़ है, कोई सोशल वर्क है, वहाँ पर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो आप अकेले हैं कि आपने डोनेट कर दिया, दैट्स ऑल। तो आपने अकेला मतलब एक समाजवादी काम कर दिया। फ्रेंडशिप, वहाँ पर आप दो लोग, मोस्टली देखो कोई भी रिलेशन के लिए आपको हमेशा दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सीधी सी बात है कि इट अकर बिटवीन टू इंडिविजुअल, ये दो लोगों के बीच में, हु हैव एन इमोशनल कमिटमेंट। और वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों इमोशनल कमिटमेंट करके रखते हैं। दूज इन ए इनिशिएट रिलेशनशिप यूजुअली रिएक्ट नेचुरली विथ ईच अदर। दोनों का नेचर क्या होता है, बहुत नेचुरली होता है। दोनों साथ साथ में एक से दूसरे से कमिटमेंट करके रखते हैं, और स्टार्टिंग में जब उनका नेचर देखने को मिलता है, अपन नेचर देखते हैं, नेचर की बात करते हैं, उनके थिंकिंग की बात करके चलें या फिर उनके बिहेव की बात करके चलें, तो वो क्या होते हैं कि इमोशनली इतने ज़्यादा कमिटमेंट होते हैं, इतने ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं कि वो एक दूसरे की हर एक बात बोल सकते हैं, या फिर हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, या फिर एक दूसरे का कहना मानना बोल सकते हैं आप इसको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा क्लोज रिलेशनशिप होता है कि आप उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप किसके अंदर लेकर चलते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है थेरापूटिक रिलेशनशिप। देखो, थेरापूटिक रिलेशनशिप नर्स और पेशेंट के बीच में होता है, आप सभी जानते हैं। और जब तक थेरापूटिक मतलब ही थेरेपी है, थेरापूटिक मतलब ही क्या है, थेरेपी है। और थेरेपी कौन देता है, नर्स देती है, किसको देती है, पेशेंट को देती है। डिफर फ्रॉम बोथ सोशल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच की एक स्टेज है। इन दैट द नर्स मिनिमाइज इनर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या करती है, नर्स मिनिमाइज करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो बहुत अंदर के बहुत माइनर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको यूज करती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और कोशिश करती है जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसके बिहेवियर को समझने की, और ट्राई करती है उसको समझने की, एंड ऑर्डर टू इन्हेंस द पेशेंट ग्रोथ। और क्या कोशिश करती है कि जो पेशेंट की ग्रोथ है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो स्किल्स हैं, उसको क्या कर सके आप, इम्प्रूव कर सके, पेशेंट बेटर फील करे, या पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उसका आप सॉल्यूशन कर सके, या फिर पेशेंट के साथ में जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहा था, डिजीज कंडीशन हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है उसकी, हो सकता है उसकी फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसकी जो ग्रोथ है उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करके चल रहे हैं। तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा यहाँ पे, थेरापूटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशनशिप की, फेज एंड टास्क ऑफ थेरापूटिक रिलेशन। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मोस्टली चार फेजेज होते हैं थेरापूटिक रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फेज होती है वो होती है प्री इंट्रैक्शन फेज। कौन सी फेज होती है, प्री इंट्रैक्शन फेज। दिस फेज बिगन कब से शुरू होती है, ये जब शुरू होती है व्हेन द नर्स इज असाइन टू इनिशिएटेड थेरापूटिक रिलेशनशिप एंड इंक्लूड ऑल दैट द नर्स थिंक्स फीलिंग और डज इमीडिएटली प्रायर टू द फर्स्ट इंट्रैक्शन विद द पेशेंट। प्री इंट्रैक्शन फेज कब स्टार्ट होती है, जब आप नर्स एक पेशेंट से मिलती है, जब उसकी फीलिंग्स को समझती है, जब उससे बात करती है, फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है कि भाई, जैसे फर्स्ट इंट्रैक्शन हुआ तभी आप क्या करते हैं, प्री इंट्रैक्शन फेज में होते हैं और पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जब पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेशन करेंगे तो इंट्रैक्शन मतलब पेशेंट का और नर्स का जो फर्स्ट इंट्रैक्शन है, जो फर्स्ट एक दूसरे को वो देख रहे हैं या फिर जान रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते, इंट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को देखना या समझना, उसको क्या बोल सकते हैं आप, प्री इंट्रैक्शन फेज बोल कर चल सकते हैं। दिस फेज इज सिमिलर टू प्लानिंग स्टेज बिफोर एन इंटरव्यू। ये क्या है, एक प्लानिंग स्टेज के सेम है इंटरव्यू से पहले। ए नर्स मे हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट बिफोर द फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग। आप जानते हैं सभी कि नर्स से पहले डॉक्टर के पास में प्रिस्क्रिप्शन होता है, और जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो सीधा नर्स के पास जाता है, और जब नर्स के पास जाएगा तो नर्स एक पेशेंट से फेस टू फेस मिलने से पहले उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास होती है, जैसे कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, क्या उसके साइन सिम्टम्स है, कितने दिन से ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन कौन से उसकी बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन होता है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, और वो इस फेज में नर्स देख कर चलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड जनरल हिस्ट्री अबाउट द क्लाइंट।
किस किस चीज़ को, उसकी जनरल हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें, या फिर वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी होती है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ में होता है। द नर्स मे फील एंजियस रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। नर्स क्या करती है, एंजियस होती है, हो सकता है उसकी कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से नर्स थोड़ा एंजियस फील कर सकती है, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजियस फील कर सकता है। सेकेंड नंबर की जो फेज आती है इंट्रोडक्टर फेज, या फिर दूसरी नाम से उसको जो बोल सकते हैं ओरिएंटेशन फेज। क्या बोल सकते हैं, या तो इंट्रोडक्टर फेज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ओरिएंटेशन फेज, या बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस फेज। देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ओरिएंटेशनल और प्री हेल्पिंग फेज। क्या होती है, ओरिएंटेशनल और प्री हेल्पिंग फेज होती है। इट इज़ इंट्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, देखो मैंने बता के चला है पहले ही कि क्या होती है, ये इंट्रोडक्शन फेज होती है। इट इज़ इंट्रोडक्टिव फेज इन विच द नर्स एंड पेशेंट मीट टू द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नर्स और पेशेंट फर्स्ट टाइम फेस टू फेस क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। ड्यूरिंग दिस फेज द नर्स एंड क्लाइंट क्लोजली ऑब्जर्व। इस फेज में क्या करती है, नर्स पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करती है एंड अदर ईच अदर एंड डू जजमेंट, और उसकी हर चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती है, जज करती है अबाउट ईच अदर बिहेवियर। और उसका जो बिहेवियर है, जो बात करने का तरीका है, जो टॉन बोल सकते हैं आप उसको, कि हर मतलब हेड टू टॉय उसकी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करती है एक नर्स इस फेज के अंदर। इंट्रोड्यूस फेज बोल सकते हो, ओरिएंटेशन फेज बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन फेज बोलकर आप चल सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने आती है थर्ड, वो होती है वर्किंग फेज। देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करा है कि आप पेशेंट से प्री जो फेज़ थी, फर्स्ट फेज़ थी, उसमें क्या करा आपने, अभी तक पेशेंट को आपने फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन आपके पास में पेशेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी फिजिकल हिस्ट्री हो सकती है, या फिर उसकी टोटल बायोग्राफिक हिस्ट्री हो सकती है, जिस हेल्थ हिस्ट्री हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने होती है, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में होता है। सेकेंड फेज होती है इंट्रोडक्शन। आप पेशेंट के साथ में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस फेज के अंदर आप लेकर चलते हैं इंट्रोडक्शन फेज, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट नेक्स्ट जो बात करके चलते हैं, और वो थर्ड फेज आती है। थर्ड फेज का नाम है वर्किंग फेज। वर्किंग मोस्ट ऑफ द थेराप्यूटिक वर्क इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द वर्किंग फेज। द नर्स एंड द पेशेंट एक्सप्लोर रिलीवेंट स्ट्रेलियर एंड प्रमोट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट थ्रू एक्शन फीलिंग्स। इसमें क्या होता है, वर्किंग फेज होती है, और वर्किंग फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है कि आपने पेशेंट को असिस्ट कर लिया, आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर लिया, अब आपके सामने साइन सिम्टम्स पेशेंट के रखे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या कर रहे हैं, आप वर्किंग एक्शन, जो एक्शन है उसके बारे में आप फॉलो कर रहे हैं कि आपको क्या वर्किंग करनी है, अपने गोल सेट करते हैं कि इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, आपका जो एक्शन है, आप एक्शन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गोल, तो वो सारी चीज़ आप देख कर चलते हैं। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन ये लास्ट फेज होती है। टर्मिनेशन फेज में क्या होता है कि दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट फेज होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी भी होती है फेज ऑफ द थेरापूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप लेकर अपन चलते हैं। द गोल दिस फेज इज टू ब्रिंग थेरापूटिक एंड रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ अपन देख कर चलते हैं, और यहाँ पर ये जो नर्स पेशेंट का कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अपन टेक्निक्स की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरी वन।